नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या इसरो जैसी जो सेंसिटिव संस्थाएं हैं, वहां पे जो वैज्ञानिक काम करते हैं, उनके बारे में जो हम लोग सुनते हैं कि उनकी जासूसी की जाती है, कई बार उनको मारने की कोशिश की जाती है, जहर दिया जाता है, ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो एजेंसियां काम करती हैं उनके बारे में भी सुनते आए हैं, कैसा होता है कि जो परमाणु बम बनाने में वैज्ञानिक लगे थे उनके बाल से पता लगाया गया था पाकिस्तान में, वगैरह वगैरह जासूसी होती है, ऐसा तो सुनते रहे हैं। लेकिन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और अब रिटायर होने वाले हैं के सिवनी के बाद वरिष्ठता में वो आते हैं तपन मिश्रा, उन्होंने जो फेसबुक पोस्ट लिखा है उसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। उन्होंने दावा किया है कि किस तरीके से उनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई, क्या क्या उनके साथ सलूक किया गया, सुनिए ये रिपोर्ट। मिश्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि 3 साल से अधिक समय पहले उन्हें जहर दिया गया था। 23 मई 2017 को बेंगलुरु में इसरो मुख्यालय में पदोन्नति साक्षात्कार के दौरान घातक आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। दोपहर के भोजन के बाद स्नैक्स में संभवतः डोसे की चटनी के साथ मिलाकर ये जहर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें सांप से भी मारने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इसरो के वो वरिष्ठ सलाहकार के तौर पे काम कर रहे हैं और इस महीने के अंत में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने फेसबुक पर लॉन्ग केप्ट सीक्रेट नाम से ये जो पोस्ट किया है उसमें सिलसिलेवार जिक्र किया है कि जुलाई 2017 में गृह मामलों के सुरक्षा कर्मियों ने उनसे मुलाकात कर आर्सेनिक जहर दिए जाने के प्रति उन्हें सावधान किया था। उनके द्वारा डॉक्टरों को जो जानकारी दी गई उसके चलते ही सटीक उपचार हुआ और वो बच सके, अदरवाइज उनको मारने की एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्हें सांस लेने में कठिनाई, त्वचा का असामान्य रूप से फट जाना, चमड़ी निकलना और फंगल संक्रमण सहित कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने फेसबुक पोस्ट में मिश्रा लिखते हैं कि उन्हें सांप से भी मारने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि उनके क्वार्टर में जहरीले सांप छोड़े गए। उन्हें एम्स के डॉक्टर के इलाज का मेडिकल रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर साझा किया है। सरकार से इस मामले की जांच की अपील की है। वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक के रूप में सेवा दे चुके हैं। अपने लंबे फेसबुक पोस्ट में वो दावा करते हैं कि पिछले 2 वर्षों से मेरे क्वार्टर में कुछ दिनों के नियमित अंतराल पर कोबरा क्रेट जैसे जहरीले सांप रहस्यमय तरीके से मिलते रहे। कार्बोलिक एसिड वेंट्स को हर 10 फीट पर डाला जाता, फिर भी कोई भी सांपों की घुसपैठ नहीं रोक सका। सौभाग्य से मेरी 4 बिल्लियों और मेरे सुरक्षा कर्मियों की वजह से वे सांप या तो मारे गए या जिंदा पकड़े गए। उन्होंने दावा किया कि केवल 3 महीना पहले ही उनके घर में एक गुप्त सुरंग मिली, जब सुरंग को बंद कर दिया गया तो सांप आने बंद हो गए। उन्होंने विक्रम साराभाई से लेकर के नाम्बियार तक गिनाया है कि किस तरीके से वैज्ञानिकों की रहस्यमय मौत हुई। तपन मिश्र ने स्पष्ट रूप से किसी के बारे में नहीं कहा है, लेकिन इतना बताया है कुछ बाहरी ताकतें नहीं चाहती कि इसरो के वैज्ञानिक आगे बढ़ें और कम लागत में सारे सिस्टम तैयार करें। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय जासूसी हमला करार देते हुए कहा कि कमर्शियल और सैन्य महत्व के उपकरण बनाने वाले वैज्ञानिकों को रास्ते से हटाने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर में सांप छोड़े जाते रहे, फिर उसके बाद उनके घर तक सुरंग मिलती है उसके बारे में पता चलता है, उससे पहले डोसे की चटनी में उन्हें जहर दिया जाता है आर्सेनिक, उसको लेकर के पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उनको आगाह कर दिया था, उसके आधार पर उनका इलाज होता है। फिर इलाज के आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी पता चल रहा है कि उनको क्या क्या कैसी कैसी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो अब ये जो रिपोर्ट आ रही है, इसके बाद जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो ऐसी सेंसिटिव संस्थाओं में वैज्ञानिक और कर्मचारी काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो कम लागत में भारत ने स्पेस में काम करना शुरू किया है, क्या उससे दुनिया के कई देश हिल गए हैं? वो नहीं चाहते हैं कि भारत ऐसा प्रोग्रेस कर पाए, या देश की ताकतें हैं जो ऐसी संस्थाओं के लोगों को चोट पहुँचाना चाहती है? इस पे वाकई में बहुत गहराई से जाकर के जांच करने और पता लगाने की जरूरत है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।